मैंने इसमें भी डाला देसी घी, हींग, जीरा और प्याज। ये है तुवर की दाल, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी और तुवर की दाल है बस। तो इसको बॉईल कर लिया था मैंने। ये ट्रिक मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताई कि जब आपको दाल जल्दी बनानी है तो उसमें नमक हल्दी कुछ मत डालो, बॉईल करके रखो, फिर जब जरूरत होना तब उसमें आग लगा दो आप। तो इस तरह से ये मैंने दिया है, प्याज भून गया है और इसमें है नमक, सेंधा नमक है, जीरा था जो मैंने डाल दिया, हींग मैं डाल चुकी हूँ, लाल मिर्ची और हल्दी है। अब मैं ये चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी, ऐड कर दूँगी ये सब। मेरे पास बड़े बड़े कई तरह के चम्मच हैं लेकिन मैं इसी से काम करती हूँ, मेरा ये दिस इज़ माई स्टाइल। अब मैं इसमें ऐड करूँ थोड़े से टमाटर, क्योंकि आप देखिए पानी में रखा हुआ है, मैं फाइनल में पानी से धोकर ही वापस डालती हूँ। अब कुछ लोगों ने इस जगह के बारे में पूछा था कि ये जो जगह है ना, ये मेरे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जो भी चीज बनती है सबसे पहले यहाँ पर रखी जाती है, मैं यहाँ रखती हूँ। जो देखिए चलाती हूँ खाना जो है ना, कई लोग बहुत स्टाइलिश बर्तन दिखाते हैं, मेलामाइन के क्रॉकरी दिखाते हैं, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। वैसे भी मेलामाइन के जो बर्तन प्लेट वगैरह होते हैं वो नुकसान करते हैं, उनमें खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशनल बर्तन हैं, स्टील के हैं, पीतल के बर्तन, जो कलई किए हुए हैं, कांसे के बर्तन होते हैं कुछ कुछ खाने के लिए, वो शुद्ध होते हैं और इन्हें भोजन खाना चाहिए, कांच के प्याले भी सही रहते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें धनिया। ये है आज का वीडियो, मैं दाल आपके सामने डाल देती हूँ, मैंने डाल दी है। अभी मैं आधी दाल डालूँगी, पूरी दाल नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि अभी जितनी खानी है बस उतना ही यूज़ में ले लूँ, बाकी मैं इसका मैं सांभर बनाऊँगी दाल का। तो मैं अभी से बना के रख रही हूँ, मैंने इमली भिगो दी है, तो कल या तो मैं सांभर वड़ा बनाऊँगी या फिर इडली बनाऊँगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से दाल का कई तरह से यूज़ हो जाता है, और इसमें ऊपर से देसी घी और डाला जाएगा, और धनिया पत्ता जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से तुवर दाल बनती है। कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, मैंने खाई हुई अच्छी लगती है, पर हर एक का अपना टेस्ट होता है, तो हम लोग इसमें चीनी नहीं डालते हैं।